मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरी जो जनता का विश्वास है और मेरे अपने आप पर विश्वास है वो मुझे पूर्ण भरोसा के साथ मिलेगा। अफवाह भी दौड़ रही थी कि शांतिदास पहले फार्म ही नहीं भर रहे हैं। देखिए अफवाहें तो उन लोगों की दौड़ती हैं जिन लोगों की झूठी वादे होते हैं। बस BSc फर्स्ट क्लास और MSc फर्स्ट क्लास, MA फर्स्ट क्लास, डबल MA हूँ, MEd हूँ, BEd हूँ, MSW हूँ और PGDC हूँ। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज जो है मध्य प्रदेश चुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया थी वो आज खत्म हो चुकी है और आज जो है लगभग करेरा विधानसभा से जो है 13 प्रत्याशियों ने जो है आवेदन किए, जिसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियों के हैं, वहीं 10 निर्दलीयों ने जो अपना नामांकन दाखिल किया है। मेरे साथ बसपा के अधिकृत प्रत्याशी शांतिदास फाले जी हैं, जानेंगे किस तरह से देखते हैं आज की जो नामांकन प्रक्रिया की आपने। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सोनू जी, और दूसरी ओर मैं माननीय बहन जी का धन्यवाद देता हूं, वो आशीर्वाद का कामना करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस राष्ट्रीय पार्टी का चिन्ह देकर मुझे करेरा विधानसभा भेजा है। काफी वर्षों से प्रयास कर रहे थे, पिछली बार भी प्रयास किया, टिकट नहीं मिला, हताशा निराशा हुई, अब टिकट मिला है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए मैं कभी निराश नहीं रहता जी, मैंने कभी टिकट की मांग नहीं की और ना कभी मैंने पार्टी के लिए सोचा है कि मुझे टिकट दे। मैं तो एक कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता की भांति काम किया और मैंने सिर्फ सेवा के भाव से काम किया है और मुझे भरोसा था कि मुझे माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि मैं करेरा विधानसभा की जनता का आशीर्वाद लेकर भोपाल जाने का काम करूंगा। लगातार एक अफवाह भी दौड़ रही थी कि शांतिदास पहले फार्म ही नहीं भर रहे हैं। देखिए अफवाहें तो उन लोगों की दौड़ती है जिन लोगों की झूठे वादे होते हैं और मैं कोई झूठे वादा नहीं करता। मैं तो अभी इस जनता की सेवा करने का वादा कर रहा हूं कि जिन लोगों ने झूठ का आश्वासन देकर इस करेरा विधानसभा की जनता को ठगने का काम किया है तो मैं उन ठग लोगों से कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारी ये ढबली बनने का काम बंद हो गया है, अब शांतिदास फले इस करेरा विधानसभा से जनता की सेवा करने के लिए तैयार है और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि हमारा जो कोर वोट है, जो हमारा बहुजन का वोट है, वो लौट के वापस आएगा। क्या लगता है क्या बड़े मुद्दे होंगे करेरा विधानसभा में कि जिन मुद्दों को लेकर आप जो ग्रामीणों के पास पहुंचोगे, वोट मांगने का काम करोगे? देखिए हमारा पहला मुद्दा हमारा जो बेरोजगारी का है जी। मैं अगर जनप्रतिनिधि के रूप में अगर विधायक बन के और विधानसभा पहुंचता हूं तो पहले मेरी मांग रहेगी जो हमारा बेरोजगार लोग है, जो शिक्षित वर्ग का लोग है, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर के लिए साधन उपलब्ध कराऊं इस करेरा विधानसभा। जैसे यहाँ कर कोई फैक्ट्री नहीं है तो फैक्ट्री का लाऊंगा। दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा, मेरा स्वास्थ्य यहाँ नरवर के अंदर और करेरा के अंदर बहुत परेशान लोग हैं, हमारी महिलाएं बीमार हो जाती हैं, बच्चे गंभीर स्थिति में पैदा हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जिनकी उनकी इलाज हो सके। तो मैं ये प्रयास करूंगा और वादा भी करता हूँ कि मैं अपने भरकस प्रयास से यहाँ पर एक स्वास्थ्य का अस्पताल जरूर। एक सवाल और, लोग कह रहे हैं शांतिदास फले पढ़े लिखे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए मेरे पास BSc फर्स्ट क्लास और MSc फर्स्ट क्लास, MA फर्स्ट क्लास, डबल MA हूँ, MEd हूँ, BEd हूँ, MSW हूँ और PGDC हूँ और रनिंग में मेरी PhD भी है। तो मैं पढ़े लिखे के नाते अपने क्षेत्र के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई हम वोट अपनी बेटी के समान दो और जब बेटी को अच्छा वर ढूंढने का काम करते हैं तो वोट भी उसी इंसान को दो, उसी नेता को दो जो तुम्हारी विधानसभा की लाज और आबरू रख सके। एक और सवाल, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हो या किसी को हराने के लिए? देखिए मैं कभी जीतने की बात तो मैं हमेशा ही रखता हूं कि मैं हमेशा जीतने के लिए लड़ूंगा और हराने की बात ये हमारी करेरा विधानसभा की तय करेगी जनता। और मुझे भरोसा है कि जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने छल किया है वो आज भी कर रहे हैं। अभी हमारे करेरा के अंदर जो भी, चाहे दलित पीड़ित मुद्दा हुआ हो, चाहे हमारे OBC का मुद्दा हुआ, ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने उनके साथ धोखेबाजी करके उनको त्रस्त कर दिया है। अब जब त्रस्त हो गया जनता तो उनके बीच में विकल्प की जरूरत है और विकल्प सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का नेता है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, जो उनके मुख्य मुद्दों को लेकर इन विरोधी लोगों को जवाब देने का काम करेगा। कांग्रेस BJP लगातार ये दावा कर रही है चुनाव तो हम ही जीतेंगे, उस बीच आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए चुनाव जीतने हारने की प्रक्रिया मैं तय नहीं करता, यहाँ की जनता तय करती है और जनता का इस बात को मैं भी नहीं कह सकता कि मुझे जनता आशीर्वाद नहीं देगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरी जो जनता का विश्वास है और मेरे अपने आप पर विश्वास है वो मुझे पूर्ण भरोसा के साथ मिलेगा। मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरी जो जनता का विश्वास है और मेरे अपने आप पर विश्वास है वो मुझे पूर्ण भरोसा के साथ मिलेगा। सभी प्रत्याशियों की एक आइडियोलॉजी होती है कि वो किस फील्ड में काम करेंगे, किस चीज के लिए काम करें, शांतिदास फले के पास क्या प्लानिंग है कि ताकि लोग प्रभावित होकर आपको वोट करें? देखिए मेरे प्लानिंग तो एक ही है, मैं कोई करोड़पति का बेटा नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ
और किसान के बेटा के होने के नाते, मजदूर का बेटा होने के नाते, मैं मजदूर की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मैं आंगनबाड़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं अतिथियों की बात कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्राथमिकता है मैं उनकी भी सेवा करके, और सेवा करने के उपरांत जो मुझे फल जनता देगी, जो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे लिए सबसे सम्मान ही रहेगा। क्या अपील करना है महिलाएं? मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर आप अच्छा प्रत्याशी चुनकर अगर मुझे आशीर्वाद देते हैं, पढ़े लिखे के नाते, एजुकेशन के नाते, एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, तो मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि मेरे अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं भ्रष्टाचारी का आरोप हो, कहीं छलखोरी का आरोप हो, कहीं कोई किसी प्रकार आपराधिक प्रकरण हो, ये चीज की मैं खुले चैलेंज करता हूं कि आज तक मेरे किसी थाने से लेकर किसी कचहरी से लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके बीच में एक निष्पक्ष प्रत्याशी के रूप में आया है शांति दास, तो मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, और उस आशीर्वाद का फल इस करेरा विधानसभा की जनता को इतना देना चाहता हूँ कि वो वोट देने के बाद और जब विधायक बन जाऊं मैं, तो वो अपने आप में गौरव महसूस करें। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में शांति दास फले, जो कि बसपा से अधिकृत प्रत्याशी। साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन एक चीज इनमें खास लगी, करेरा विधानसभा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं प्रत्याशी के रूप में। तो लगातार जो सोशल मीडिया पर एक अपील होती है कि पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को वोट नहीं देना, तो ये भी आपके लिए फिट हो सकते हैं। आप देख रहे थे सोनू व्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे थे मैं हूं आपका दोस्त सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद।